स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं हमारा ये स्पेशल सेगमेंट हेल्थ मंत्रा, जिसमें आज हम आपको एक ऐसी समस्या से रूबरू कराएंगे जो आजकल कहीं ना कहीं हर एक दूसरे इंसान के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, वो है हमारे बाल। क्योंकि घने, सुंदर, लंबे और काले बाल तो सबको पसंद आते हैं, लेकिन आज हर एक दूसरा व्यक्ति, फिर चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या एडल्ट ही क्यों ना हो, वो हेयर फॉल की समस्या, बालों का झड़ना, बालों का टूटना या बालों का सफ़ेद होना जैसी तमाम कई ऐसी परेशानियां हैं जिनसे आज हम सभी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अंकित कपूर, जो हेयर फॉल संबंधी सभी समस्याओं से हमको अवगत कराएंगे और आखिर उसका रीजन भी बताएंगे कि वजह क्या है जो आजकल लोग इन सभी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। स्वागत है आपका अंकित जी हमारे स्टूडियो में। हम आपसे चाहेंगे कि पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। जरूर, मैं डॉक्टर अंकित कपूर, स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, द स्पर्श क्लिनिक स्किन केयर एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, गोमती नगर, लखनऊ में हूँ। और मैं पिछले 12 साल से हेयर और हेयर ट्रांसप्लांट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लखनऊ में FUE हेयर ट्रांसप्लांट को लाने वाला मैं ही हूँ। सबसे पहले मैंने ही स्टार्ट किया था और मुझे 3 बार आइकन्स ऑफ हेल्थ में बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का अवार्ड मिल चुका है। हम पिछले 12 साल से लखनऊ के लोगों की और आसपास के क्षेत्रों के लोगों की बालों की समस्याओं का सटीक समाधान और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रहे हैं। अंकित जी, जैसा कि देखा जाए तो जैसे बारिश का मौसम आ चुका है और कहीं ना कहीं अब लोगों में ये एक संशय रहता है कि बारिश के मौसम में उनके बाल चिपचिपे होते हैं, यही वजह है कि वो हेयर फॉल की समस्या से ज़्यादा जूझते हैं। तो और क्या कुछ वजह है जो लोगों को हेयर फॉल जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल हेयर लॉस क्या होता है। किसी भी महिला या पुरुष में 100 बाल प्रतिदिन गिरना सामान्य है और इससे हमको परेशान नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बारिश या किसी और मौसम में बाल गिरने की बात है, हर पर्सन की साइकिल अलग होती है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो कि बारिश में बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ना ही ऐसे प्रमाण है कि बारिश में बाल ज़्यादा गिरते हैं। बाल गिरने के जो मुख्य कारण हैं उसमें मौसम में, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर पे एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे कि हम बहुत टाइम तक नेगेटिव टेम्परेचर पे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह में हैं, या सैनिक लोग होते हैं जो कि नेगेटिव टेम्परेचर्स में या बर्फीली एरियाज़ में रह रहे हैं, या बहुत हाई एल्टीट्यूड पे हैं जहाँ पे UVA एक्सपोज ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका शैफ्ट डैमेज हो जाए, उसकी वजह से आपके बाल गिरें। लेकिन पर्टिकुलरली किसी मौसम से इसका कोई रिलेशन नहीं। डॉक्टर, अगर देखा जाए तो लोगों का ये भी कहीं ना कहीं परसेप्शन है कि डाइट भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेयर ग्रोथ में और हेयर फॉल में, तो क्या कुछ कनेक्शन है डाइट और हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ का? देखिए, ये सवाल दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से सुने। आपके एंकर ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, हेयर लॉस के जो मुख्य कारण हैं, अगर हम सबसे पहले महिलाओं में डिस्कस करें तो सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में भी मोस्ट कॉमन इज आयरन रिलेटेड डेफिशिएंसी, यानी कि खून में आयरन की कमी या शरीर में आयरन की कमी। तो महिलाओं में खास करके मैंने देखा है अपने अनुभव से भी, और जैसा कि हम लोगों ने अपने लिटरेचर और पब्लिकेशंस में देखा है, कि सबसे ज़्यादा रीज़न हेयर लॉस का आयरन और कैल्शियम रिलेटेड डिफिशेंसीज ही हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमको अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। उसके बारे में मैं 2 बातें आपको ज़रूर बताऊँगा कि किसी भी महिला या पुरुष को अपना डाइट टाइम पर लेना चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग का स्नैक्स और डिनर, वो टाइम पे लें। 4 घंटे से पहले और 4 घंटे के बाद का टाइम ना लें। 4 घंटे से पहले कुछ ना खाएं और 4 घंटे के बाद भी नहीं। अपना टाइम अगर आप डाइट का ठीक रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं स्टार्ट होता है। जैसा कि अगर कोई आदमी सुबह का लंच, ब्रेकफास्ट लेता है और उसके बाद लंच स्किप कर देता है, जैसे कि आजकल के हम यंगस्टर्स को देख रहे हैं, वो ब्रेकफास्ट किए बिना स्कूल या कॉलेज चले जा रहे हैं, जैसे कि ट्रेंड देखते हैं कि नहीं हम वहीं कर लेंगे, या प्रोफेशनल्स हैं वो सुबह अपने काम के प्रेशर की वजह से या अपने शेड्यूल की वजह से हम सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमने रात में डिनर किया और सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप किया तो 10 घंटे से ज़्यादा हम भूखे रहे हैं। तो उस केस में बॉडी हमारा फैट डैमेज नहीं करेगा, फैट ब्रेकडाउन नहीं करेगा, जबकि प्रोटीन ब्रेकडाउन करेगा। तो प्रोटीन ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ कि हेयर को प्रोटीन का सप्लाई कम जाएगा तो हमारा हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फीमेल्स में तो मुख्य कारण देखिए न्यूट्रिशनल है। सेकेंड, अगर मोस्ट कॉमन कॉज पर हम जाएँ मेल और फीमेल दोनों में, तो दोनों में ही जेनेटिक रीजंस ज़्यादा आते हैं जिसको हम अनुवांशिक हेयर लॉस बोलते हैं। फीमेल्स में जेनेटिक हेयर लॉस हमेशा टेलोजन एफ्लुवियम, जो कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण होता है, उसको टेलोजन एफ्लुवियम बोलते हैं, उसके साथ को एग्जिस्ट मिलता है। लेकिन मेल में जो पैटर्न हेयर लॉस होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिर के अगले हिस्से से बाल ज़्यादा जा रहे हैं, उसको हम लोग एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं।
जी, अगर देखा जाए तो बालों का सफेद होना भी आजकल यूथ के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है कि यूथ के बाल बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या कुछ किया जाए डॉक्टर्स की जो यूथ है उनके बाल सफेद ना हो? कि बाल हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत अहम हिस्सा है, और अगर बाल नहीं है या बाल हमारे हमारे हिसाब से नहीं है या हम जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं यूथ का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और वो उसको लेके हमेशा हैरान परेशान रहता है। तो ये उसको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें अच्छे बाल चाहिए तो सबसे पहले हमें अपना खान पान अच्छा रखना पड़ेगा। हेयर केयर के बारे में कुछ मुख्य बातें उसको समझनी पड़ेंगी कि हम अन्यथा हेयर स्पा या जेल्स, स्टाइलिंग जेल्स जैसे आते हैं, या कलर ना कराएं, इससे शैफ्ट वगैरह डैमेज हो जाते हैं। जैसे कि आपने पूछा डॉक्टर साहब सफ़ेद बाल होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, अगर सफ़ेद बाल बहुत ही अर्ली एज में हो रहे हैं, जैसे कि 10-12 साल में हो रहे हैं, तो इसको हम लोग प्री मेच्योर ग्रेइंग बोलते हैं, और ये कैल्शियम पेंटोथेनेट नाम की एक मिनरल है उसकी वजह से होता है। लेकिन जैसे कि 30-35 साल में, 40 साल में हो रहा है या और भी लेट हो रहा है, तो उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, डाइज हैं, और ये जो हम लोग स्टाइलिंग जेल्स लगाते हैं, या एक्सेस एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जैसे कि अगर हमारा काम ऐसा है कि हम धूप में ज़्यादा जा रहे हैं, या ऐसा काम है कि हमारे पास विंड एक्सपोजर ज़्यादा है, स्पीड एक्सपोजर, जैसे कि हम गाड़ी बहुत चलाते हैं, तो उस केस में किसी भी व्यक्ति को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको बालों के ऊपर एक कोटिंग हमेशा लगा के रखनी है, जिसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। तो उससे हम अपने बालों को का डैमेज बचा सकते हैं, बाल उससे सफेद होने से भी बचेंगे और गिरने से भी बचेंगे। बिल्कुल डॉक्टर, अगर देखा जाए तो हेयर फॉल और हेयर लॉस ये लोग एक ही चीजों को समझते हैं कि ये दोनों ही चीजें एक है, लेकिन एक जो हकीकत है कि ये दोनों ही चीजें बहुत एक दूसरे से अलग है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, हेयर लॉस जो है वो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हेयर लॉस सामान्य भी हो सकता है, जैसे कि 100 हेयर्स पर डे इज नॉर्मल, और हेयर लॉस जो है जिसमें कि हम लोग रूट डैमेज हो जाता है, जैसे कि अनुवांशिक हेयर लॉस में सबसे पहले होता क्या है कि हमारा हेयर मिनिचराइज हो जाता है, यानी कि बौना हो जाता है, और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है, मेल फीमेल दोनों में ही होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में हमारे बाल की जो रूट्स होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, उसको हम लोग मिनिचराइजेशन बोलते हैं। मिनिचराइजेशन की वजह से उसको न्यूट्रिशनल मिलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो बाल गिर जाता है। तो हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति के बाल इतने ना गिरे, लेकिन धीरे धीरे उसके सिर पे बाल कम होते जाएं, तो वो ऐसा होगा जब रूट्स उसके नीचे से डैमेज होते चले जाएंगे। उसका मुख्य कारण अनुवांशिक हेयर लॉस है, या कई सारी बीमारियां हैं जैसे जिसमें कि नीचे की डर्मिस, स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, तो डर्मिस लेवल पे या एपिडर्मिस लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो उससे न्यूट्रिशन जो है हमारे रूट्स में नहीं आ रहा है, उसकी वजह से भी हमारा जो है रूट डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर, महिलाओं को अक्सर लंबे, काले और घने बाल सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं, जिसके लिए महिलाएं हेयर स्ट्रेटनिंग कराती हैं, हेयर एक्सटेंशंस कराती हैं, तो नेचुरल तरीका क्या है जिससे महिलाएं अपने बालों की ग्रोथ बढ़ा सकें? देखिए, आजकल मैंने ट्रेंड देखा है कि हर एज में कि महिलाएं ज़्यादा करके अपने बाल स्ट्रेटनिंग करा देती हैं, लेकिन स्ट्रेटनिंग कराने से शैफ्ट बहुत हद तक डैमेज होता है, और मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि जब हम उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने स्ट्रेटनिंग कराई थी, तो बोलते हैं हाँ 3 से 4 महीने पहले हमने स्ट्रेटनिंग कराई थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि स्ट्रेटनिंग को आप एक रूटीन ना बनाएं, कोशिश करें कि जितना इंटरवल आप बढ़ा सकते हैं 2 स्ट्रेटनिंग के बीच में उतना स्ट्रेटनिंग करें। पहले तो कोशिश करें कि ना ही कराएं, लेकिन अगर मजबूरी है, आपका बाल बहुत घुंघराला है, और या आपकी प्रोफेशनल डिमांड्स ऐसी हैं कि आपको स्ट्रेटनिंग करना है, तो कोशिश करें कि उसको 2 स्ट्रेटनिंग के बीच में अंतराल को बहुत बढ़ा दें, जिससे कि आपका शैफ्ट डैमेज ना हो। और अगेन, अगर आपको हेयर लॉस प्रिवेंट करना है तो फिजिकल एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स दोनों पर ही ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल फैक्टर्स में जैसे कि स्ट्रेटनिंग प्रिवेंट करना है, रेगुलर यूज ऑफ प्रॉपर शैम्पू और फॉलोड बाय कंडीशनर आपको यूज करना ही करना है, और दूसरा न्यूट्रिशन। अगर आप न्यूट्रिशन का ध्यान बराबर से रखते हैं तो आपका हेयर लॉस कम होगा। जैसे आप कोई भी व्यक्ति है, जब स्ट्रेस में आता है तो सबसे पहले वो क्या छोड़ता है? खाना। और जब वो खाना छोड़ेगा तो सबसे पहले उसका असर किस पे आता है? स्किन और हेयर पे। तो अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, या आप जैसे कि कोई नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, या अल्कोहल लेते हैं, तो इन सब की वजह से सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है वो होता है आपका न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी। जैसे कि अल्कोहल लेने से बी कॉम्प्लेक्स डिफिशेंसी हो जाती है, सिगरेट पीने वालों को भूख नहीं लगती है, मसाला खाने वालों के साथ भी ऐसा ही है कि इनकी भूख ही मर जाती है, तो इनका एपिटाइट लॉस होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मेल फीमेल में से कोई भी धूम्रपान या कोई भी नशा कर रहा है किसी भी तरीके का, तो आपका डाइट प्रॉपर नहीं होगा और आपको इवेंचुअली हेयर लॉस होना ही होना है। बिल्कुल डॉक्टर, अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत से नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, जैसे डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू और हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, तो क्या ये वाकई में कारगर हैं?
डैंड्रफ एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जहाँ पे हाइपर सिक्रेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स होता है। बेसिकली ये कोई डिजीज़ नहीं है और इसको ऐसा भी नहीं है कि हमने एक बार ट्रीटमेंट किया तो ठीक कर देंगे। आप ऐसे समझिए कि स्कैल्प पर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं और वो रोज सीबम सिक्रिएट करते हैं, तो सेबेशियस ग्लैंड जब हाइपर सिक्रेशन करेंगे तो उसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलेंगे, जिसको कि आप डैंड्रफ बोल रही हैं। बिल्कुल। तो इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से कीटाकोनाज़ोल शैम्पू से ठीक कर सकते हैं और उस शैम्पू का इस्तेमाल हमको रेगुलर लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने दो बार शैम्पू लगाया फिर आप किसी कॉस्मेटिक शैम्पू पे चले गए। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बाद कीटाकोनाज़ोल शैम्पू उसको यूज़ करें। और उसको प्रॉपर यूज़ करने का तरीका क्या है कि किसी भी कीटाकोनाज़ोल शैम्पू को कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप स्कैल्प पे रख के स्क्रब करें और उसके बाद कंडीशनर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। 2 मिनट तक आप कंडीशनर लगाएं तो उससे आपका स्कैल्प क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा करने पर भी आपका डैंड्रफ क्लियर नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, वो आपको मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर्स, बहुत सारी थेरेपीज आती हैं मार्केट में जो लोगों के बालों की ग्रोथ बढ़ाती हैं, ऐसा दावा किया जाता है। और आजकल पार्लर्स में भी बहुत सारी हेयर एक्सटेंशंस जैसे मार्केट में आ चुके हैं कि हेयर एक्सटेंशन से बाल अच्छे हो जाते हैं, तो इसका बालों पे क्या कुछ असर देखने को मिलता है? देखिए, जो हमारे लिटरेचर्स कहते हैं, जो हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि सबसे पहले हमारी जड़ मजबूत होनी चाहिए। जैसे कि हमारे घर, हमारे बाग में या बगीचे में जितने भी पेड़ लगे हैं तो हम पानी किसको देते हैं? रूट को देते हैं, ना कि पत्तियों को। वैसे ही बालों के साथ है, आप सिर पे जो भी लगा लीजिए वो सिर्फ हेयर का सर्कुलेशन बढ़ाएगा, ऊपर से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जो आप खाएंगे वही बालों को जाएगा। तो महंगे तेल, शैम्पू, कंडीशनर्स में आप पैसा ना खराब करें। जैसे कि मैंने सुना है कि लोग बादाम का तेल लगा लेते हैं, आपने बहुत महंगा फिगैरो का ऑयल लगा लिया, कुछ भी लगाया, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस वो ऑयल खाली मसाज की तरह यूज़ हो रहा है, तो उसमें आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते थे, उसमें आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते थे, उसमें आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऑयल का रोल नहीं है, मसाज का रोल है। तो महंगे तेल, कंडीशनर, शैम्पू पर पैसा ना खराब करें, आप डाइट पर ध्यान दें। बिल्कुल। आजकल मार्केट में हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, लोग अक्सर हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? देखिए मैम, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैं आपके माध्यम से लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि हेयर, हर हेयर लॉस का रिजल्ट समाधान हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहले हमें किसी भी हेयर लॉस के लिए डॉक्टर से अप्रोच करना चाहिए। 4 से 6 महीने तक हमको पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए। खास करके फीमेल्स में हम लोग कोशिश करते हैं कि शुरू के 6 महीने 7 महीने तक हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड करें। उनको हम दवाइयों से ही ठीक कर सकते हैं, या और भी थेरेपीज़ हैं जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP थेरेपीज़ है, या लेज़र डायोड थेरेपीज़ हैं जिसमें हम लोग 6-7-8 नैनोमीटर डायोड USFDA अप्रूव लेज़र यूज़ करते हैं, उससे ठीक कर सकते हैं। किसी भी सर्जरी के लिए, हालांकि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बहुत ही सेफ सर्जरी है, लोकल में होती है और उसमें किसी भी तरीके के कोई भी परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमारा फर्स्ट चॉइस कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं रहता है फीमेल्स में। हाँ, जहाँ तक मेल्स का सवाल है, अगर उनको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, जिसको कि हम अनुवांशिक हेयर लॉस बोलते हैं, मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं, जो कि खास करके देखा जाता है जिसमें आगे से पैटर्न में बाल जाता है, उसका एक ही समाधान है हेयर ट्रांसप्लांट। उसमें हम बालों की जड़ें सिर के पिछले हिस्से से निकाल के सिर के अगले हिस्से में लगाते हैं और वो जड़ें 3 से 4 महीने के अंदर बाल देना शुरू करती हैं और लाइफ लॉन्ग, लगभग लाइफ लॉन्ग बाल देती हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की 2 टेक्निक हैं, FUT और FUE। क्या डिफरेंस है इन दोनों ही तकनीकों में और किस तरह से ये दोनों ही टेक्निक्स परफॉर्म की जाती हैं? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट की ग्रेडिंग डिसाइड करते हैं और नॉरवुड क्लासिफिकेशन है इसका, जिसमें Grade 1 से लेकर Grade 7 तक आपका बाल कितना चला गया उससे डिसीजन होता है। अगर ग्रेडिंग ज़्यादा है तो हमको बाल ज़्यादा चाहिए, अगर ग्रेडिंग कम है तो हमें बाल कम चाहिए। FUT टेक्निक सिर के पिछले हिस्से को सुन्न करने के बाद बालों की जड़ों की एक महीन पट्टी को निकाल लेती है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाती है और उस जड़ में से एक एक बाल को निकाल कर सिर के अगले हिस्से में लगा दिया जाता है। इस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग FUT, यानी कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। अभी 8-10 साल पहले नई टेक्निक आई है जिसको कि बोलते हैं FUE। इसमें हम लोग बहुत ही शार्प पंच द्वारा, जिसका कि डायमीटर आप कल्पना कीजिए 0.8 या 0.9 मिलीमीटर होता है, उससे हम रूट्स को निकाल लेते हैं और वो रूट्स सिर के अगले हिस्से में लगाते हैं, तो इससे कोई निशान या स्कार नहीं आता। लेकिन दोनों ही टेक्निक अपने आप में सक्सेसफुल है। पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक यूज़ होनी चाहिए। अगर बाल आपको ज़्यादा चाहिए, अगर ग्राफ्ट ज़्यादा चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि FUT टेक्निक का भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। FUE टेक्निक का जो सबसे अच्छा बेनिफिट है, जो आपके माध्यम से
अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर किसी इंसान के सिर के पिछले हिस्से में बहुत ज़्यादा बाल नहीं है और फिर भी उसको ट्रांसप्लांट कराने की इच्छा है, तो हम उसके दाढ़ी के या सीने के भी बाल निकाल के सिर पर लगा सकते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ FUE टेक्निक से ही किया जा सकता है। डॉक्टर्स, अगर देखा जाए तो अभी जैसे आपने बताया कि हम किस टेक्निक से जो है वो बालों को ग्रोथ दे सकते हैं कि बाल घने लगे, फिर चाहे वो पुरुष हो फिर चाहे वो महिलाएं हो, लेकिन नेचुरल तरीके से किस तरह से बालों को बढ़ाया जाए? क्या कोई ऐसा नेचुरल तरीका भी है जिससे बालों को शाइन मिले, जिससे बालों की ग्रोथ बढ़े या जिससे बाल में चमक आए? सबसे पहला तो डाइट है, डाइट से ही हमको करना है, न्यूट्रिशन हमको प्रॉपर रखना है, धूम्रपान अवॉइड करना है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स से बचना है, जैसे कि एक्सेस एक्सपोजर टू विंड है या सनलाइट है, एक्सेस यूज़ ऑफ शैम्पू अवॉइड करना है, हेयर ड्रायर्स को अवॉइड करना है, हेयर स्ट्रेटनिंग इंस्ट्रूमेंट्स को जो भी आपके आते हैं जो हेयर को सीधा करते हैं उनको अवॉइड करना है, और उसके बाद अगर इन सब चीज़ों से भी काम नहीं चल रहा है तो हमारे हेयर से संबंधित मल्टी विटामिन्स आते हैं जो कि आपको हेयर पे ही सीधे जाके टारगेट करेंगे और आपके हेयर्स को अच्छा करेंगे। इस सब से भी काम नहीं चल रहा है तो नेक्स्ट थेरेपी आती है, वो है PRP थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है। ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं हमारी बॉडी में कहीं पर भी हीलिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, तो अगर हेयर्स की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है किसी भी कारण से तो हम पेशेंट का PRP कर सकते हैं, उसको हम लोग 10 ml ब्लड निकाल के उसमें तो ग्रोथ फैक्टर्स कंसंट्रेट करके इसके स्कैल्प में वापस से इंजेक्ट कर देते हैं। ऑलमोस्ट पेनलेस थेरेपी है, बहुत मामूली सा पेन होता है। अभी जैसे कि आपने बताया कि हेयर जो शैम्पू है वो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो हफ्ते में कितनी बार शैम्पू करना चाहिए बालों को? अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू हफ्ते में एक बार कीजिए और डेली शैम्पू हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं फॉलोड बाय कंडीशनर। अगर आपका स्कैल्प और बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आप डैंड्रफ शैम्पू का फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसे आपने महिलाओं का बताया कि किस तरह से वो अपने बालों को ठीक कर सके, पुरुषों का भी बताया, लेकिन बच्चों को किस तरह से उनके बालों की केयर की जाए कि उनके बाल वाइट ना हो, क्योंकि आजकल जनरली ये भी देखा जा रहा है कि बच्चों के भी बाल वाइट हो रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, रिसेंट ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं और एक अभी हम लोगों ने नया ब्रांच स्टार्ट हुआ है जिसको बोलते हैं पीडियाट्रिक हेयर लॉस, और ये देखा जा रहा है कि 8-9 साल 10 साल के बच्चों में हम लोग देख रहे हैं कि हेयर लॉस हो रहा है, जैसे कि आपने सुना भी होगा, पेपर में पढ़ा होगा, जैसे कि पीडियाट्रिक ओबेसिटी यानी कि चाइल्ड रिलेटेड ओबेसिटी जो आज की डेट में मेजर प्रॉब्लम बन के आ रही है, वैसे ही चाइल्ड हेयर लॉस भी एक मेजर प्रॉब्लम बन के आ रही है और पेशेंट्स हमारे पास इस कंप्लेंट को लेके आ रहे हैं बच्चों में। लेकिन उसको ठीक करना बड़ों के मुकाबले बहुत ही आसान होता है क्योंकि बच्चों का हीलिंग पावर बहुत अच्छा होता है और उनको उनके पास एक्सपोजर इतना नहीं होता है एनवायरनमेंट में, ज़्यादा करके वो उनके पास धूम्रपान का एक्सपोजर वगैरह नहीं होता है, तो उनको बहुत ही कम टाइम में हम लोग थेरेपी दे के ठीक कर लेते हैं। बस उनको काउंसलिंग करना होता है कि आप प्रॉपरली अपना खाना खाएँ। इसमें मेजर रोल जो मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को आज की डेट में कि जो आपको अवॉइड करना है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप जो चीज़ें अवॉइड करनी है ये आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले है फास्ट फूड, फास्ट फूड आपके बॉडी को बहुत डैमेज पहुंचाता है तो आप फास्ट फूड बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। अब आप कई दिनों से फास्ट फूड खा रहे हैं, आपका मन नहीं मानेगा तो उसको आप कंट्रोल कीजिए, हफ्ते में एक दिन पर ले जाइए। बेकरी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए और जितना भी प्रोसेस्ड फूड, एक प्रोसेस्ड फूड नाम का टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब क्या होता है कि बना हुआ खाना, जैसे कि हमने अपने घर में खाना खाया वो बना बिल्कुल फ्रेश बना और खाना खाया, जो रखा हुआ खाना होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड। तो प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम और फास्ट फूड, ये 3 चीज़ें आपको बहुत बहुत ज़रूरी है अवॉइड करना। जी, ये भी देखा जा रहा है कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से उनके बाल खराब हो गए, पॉल्यूशन की वजह से रफ हो गए, तो आखिर पॉल्यूशन से किस तरह से बालों को नुकसान पहुँच रहा है? पॉल्यूशन की वजह से ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से हेयर शाफ्ट अगेन डैमेज हो जाता है। हेयर शाफ्ट के अंदर जो मेन प्रोटीन होता है उसको हम लोग केराटिन बोलते हैं, तो केराटिन डैमेज हो जाता है। जैसे कि मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि सिगरेट पीने की वजह से हेयर लॉस होता है और ऐसे ही अब स्टडीज़ पब्लिश हो चुकी हैं, हार्ड वाटर की वजह से हेयर लॉस होता है, ये स्टडीज़ भी अब पब्लिश हो चुकी है। तो दोनों ही केस में जब जैसे कि पेशेंट अगर सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मोकिंग नहीं करनी है, तो एक तरीके का ये पॉल्यूशन ही तो है, जो गाड़ियों से स्मोक निकल रहा है, जो भी और भी तरीके से स्मोकिंग आ रहा है, तो उसकी वजह से हेयर लॉस होना बहुत ही नॉर्मल है और ऐसा प्रूव हो चुका है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसके लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट लेने पड़ेंगे तो आप हेयर लॉस प्रिवेंट कर सकते हैं। हार्ड वाटर कैसा करता है कि हार्ड वाटर आपका जो होता है हेयर जो उसमें इतने हैवी मेटल्स होते हैं वो आपके शैफ्ट के साथ कंबाइन करके अगेन केराटिन को डैमेज कर देता है। महिलाएं आजकल सुंदर दिखने के लिए हेयर कलर्स कराती हैं, बालों को कलर कराती हैं, मेहंदी वगैरह भी लगवाती हैं, लेकिन मेहंदी तो पहले के ज़माने में भी महिलाओं द्वारा लगाई जाती थी, तो आखिर अब मेहंदी का ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों दिखाई दे रहा है?
देखिए ये बहुत ही बड़ा रिसर्च का मुद्दा है हेयर कलर, क्योंकि हेयर इंडस्ट्री अपने आप में ही 22,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, और उसमें 48% जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं। और रीसेंट ट्रेंड जो हमारी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार ये है कि शहर को छोड़ दीजिए, गाँव का हर तीसरा बंदा हेयर का प्रीमियम प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता है। ये रीसेंट रिपोर्ट है। तो हर आदमी चाहता है कि मैं हेयर को लेकर सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करूं, और मार्केट में प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। अब जिसके हेयर जिसको हेयर कलर करना है वो तो कराएगा ही कराएगा, कैसे भी कराएगा। तो मैं उनको यही समझाना चाहता हूं कि जितना हो सके आप नेचुरल तरीके से कलर कीजिए, जैसे कि कत्था है, कैश्यू है, ठीक है, और मेहंदी जो नॉर्मल जो आती है उनको हर्बल डाइज बोलते हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं जिनको हम लगा के, ये जो डाइज नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं इसमें पीपीडी होता है या अमोनिया होता है जो कि हेयर शाफ्ट को 100% डैमेज करते हैं, तो ये वाली डाइज हमको अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो महिलाएं पार्लर का यूज़ करती हैं हेयर को कलर कराने के लिए, तो नेचुरली वो किस तरीके से बालों को कलर करें कि जिससे उनके बालों को नुकसान भी ना हो और उनके बाल सिल्की शाइन हो, जिस कलर का वो कराना चाहती हैं वो करा सके। देखिए अगर हमारा शेड ब्लैक है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा शेड है उसी के ऊपर एक ऊपर या एक नीचे शेड हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शेड ब्लैक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे हेयर्स बरगंडी हो जाए, बरगंडी है तो हम चाहते हैं कि हमारे हेयर्स गोल्डन हो जाएं, तो उस केस में आप करा तो लेंगे लेकिन वो 100% हेयर शेफ्ट को लॉन्ग टर्म में डैमेज करेगा, तो ऐसा अवॉइड करना चाहिए। देखिए सुंदर दिखने के लिए अगर हम अपने हेयर्स के ऊपर कुछ भी करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर, अभी जैसे कि आपने जब हेयर ट्रांसप्लांट की चर्चा हुई तो आपने बताया कि FUT और FUE, तो जब भी कोई पेशेंट आपके पास पहुंचता है आपकी क्लिनिक पे, तो आप किस तरह से डिसाइड करते हैं कि उस पे FUT होना है या FUE होना है? देखिए FUT यानी कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट और FUE यानी कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, दोनों टेक्निक के रिजल्ट्स लगभग लगभग सेम ही आते हैं। FUT में जो ग्राफ्ट होते हैं वो हमको ज़्यादा मिल जाते हैं, यानी कि 3 से 4 हज़ार। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि ग्राफ्ट से मेरा मतलब क्या, ग्राफ्ट का मतलब है बालों की एक जड़ जिसमें 1 से लेकर 3 बाल तक हो सकते हैं जी। अगर हम किसी पेशेंट को ये बोलते हैं कि हम आपके 2,000 ग्राफ्ट लगा रहे हैं तो हम उसके लगभग लगभग 4 से 6 हज़ार बाल लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग बोलने की भाषा में ग्राफ्ट ही बोलते हैं, बाल नहीं बोलते हैं। FUT या FUE का डिसीजन हम ऐसे लेते हैं कि अगर उसके 2 से 2,500 ग्राफ्ट लगने हैं तो दोनों में से कोई भी एक टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर 4,000 ग्राफ्ट लगने हैं, 6,000 लगने हैं, तो उसके केस में क्या होता है कि हमको FUT का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। अब अगर पेशेंट कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे FUT नहीं कराना है, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके पास FUT करा के, या कुछ लोग सर्जरी से डरते हैं, हालांकि बहुत सेफ सर्जरीज हैं, बहुत ही सिंपल सर्जरीज हैं, उसमें कुछ भी किसी भी तरीके की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डर लगता है, तो उस केस में हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि आप FUE से कराइए, और FUE से अपने दाढ़ी या सीने के बाल आप निकाल के जो है बाल लगवा सकते हैं। जो बाल लगाने का तरीका है वो दोनों ही टेक्निक में सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और है एक बार आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, जहाँ से हमने बाल निकाले हैं और जहाँ लगाए हैं दोनों ही जगह पता नहीं चलता है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया। जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके कितने दिन बाद जो लोगों में उसका असर देखने को मिलता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका। FUT कराएं या FUE, दोनों ही केस में 3 से 4 महीने में हम लोग जो है बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर दाढ़ी या के बाल या हमने सीने के बाल लगाए तो उसका रेट थोड़ा सा स्लो होता है, तो यूजुअली बॉडी हेयर्स कभी कभी 9 महीने के बाद भी निकलना शुरू होते हैं, लेकिन एक बार जब बाल निकल आता है तब वो अपनी साइकिल पूरी करता है और बराबर बाल आपको देता रहता है। कर्ली बाल का भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन होता है कि उनका भी प्रोसेस इसी तरीके से होता है, या फिर कर्ली बाल क्योंकि घने होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता होगा, तो वो कितना कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उस दौरान हेयर ट्रांसप्लांट में? जी बहुत अच्छा सवाल। तो देखिए क्योंकि FUE हेयर ट्रांसप्लांट मैं खुद करता हूँ और इसलिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कर्ली बाल में हम लोग FUE यूजुअली अवॉइड करते हैं उस, क्योंकि FUE ट्रांसप्लांट में जब हम करते हैं कर्ली बाल तो उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगा हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आप लोगों को कि हेयर ट्रांसप्लांट जब हम लोग करते हैं तो बाल पूरे हम लोग निकाल देते हैं, जैसे कि 0 लेवल तक बाल कट कर देते हैं, तो हम लोग खाली रूट्स को निकालते हैं, हेयर्स को नहीं निकालते हैं। तो कर्ली बाल अगर है तो हम लोग यूजुअली कोशिश करते हैं कि FUT का टेक्निक कर लें। ओके डॉक्टर, कर्ली बाल में अक्सर ये समस्या आती है कि वो उलझते बहुत है, फंसते बहुत है, तो कौन से प्रोडक्ट ऐसे हेयर्स पे लगाए जिससे ये सारी परेशानियां कर्ली हेयर्स वालों को कम उठानी पड़े?
एक अनरूली हेयर सिंड्रोम होता है आपका, अनकॉम्बेबल हेयर सिंड्रोम्स होते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा अफ्रीकन्स में, नीग्रोस में आपने देखा होगा कि उनके बाल ऐसे उलझे होते हैं कि आप उनके ऊपर कंघा चला ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो स्पेशली पोमेड जेल्स आते हैं जो कि हम लोग स्कैल्प पे लगाते हैं बालों को स्ट्रेटन करने के, लेकिन इंडिया में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। बिल्कुल। कर्ली होने के रीज़न कई सारे हो सकते हैं कि बालों में इन्फेक्शन हो गया है या पैरासिटिक इन्फेक्शन है या किसी भी तरीके की आपने स्टाइलिंग या जेल पहले बहुत की हुई जिसकी वजह से बाल आपका अकड़ गया है। तो यूजुअली आप नॉर्मल कंडीशनिंग करिए और हेयर ड्रायर्स का इस्तेमाल कम कीजिए, तो उससे आपके बाल यूजुअली नॉर्मल, जैसा भी उनका नॉर्मल टेक्सचर है, जो भी उनका नॉर्मल कर्ल है, वो मेंटेन रहेगा। अभी आपने एक टेक्निक बताई SMP, ये टेक्निक क्या है और इसके क्या कुछ फायदे हैं या क्या कुछ नुकसान है? जी मैम, देखिए आज की दुनिया में आज सबका टेम्परमेंट ऐसा हो गया कि हम सबको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, टाइम किसी के पास भी नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसप्लांट करने के बाद 6 से 9 महीने में रिजल्ट अच्छा आता है, 3 महीने में निकलना शुरू होते हैं। कुछ लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। डॉक्टर, जब हम हेयर ट्रांसप्लांट का जिक्र कर रहे थे तो उसमें आपने एक टर्म यूज किया SMP, ये SMP टेक्निक क्या है? देखिए आज की दौर में सब लोगों को बहुत ही जल्दी है और कोई भी लोग वेट नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि ट्रांसप्लांट में हमने बताया कि 3 से 4 महीने में रिजल्ट आएंगे, तो यंगस्टर्स हैं या कुछ लोगों के प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स ऐसे हैं कि उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो 2 या 3 दिन ट्रांसप्लांट के लिए निकालें और उसके बाद 4 से 5 दिन जो मामूली सा आराम हम करने के लिए बोलते हैं वो करें। बिल्कुल। तो लेकिन हेयर लॉस को भी प्रिवेंट करना है, तो एक नई टेक्निक है और ये हमारी हेयर ट्रांसप्लांट सोसाइटी इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है कि हम लोग एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन इसको कर सकते हैं। SMP टेक्निक में हम लोग आयरन ऑक्साइड नाम का पिगमेंट, जो कि हम लोग बायो कलर USA से इम्पोर्ट करते हैं, और इसका स्पेशल नीडल्स आता है बाहर से, तो वो उससे हम लोग जो कलर होता है वो डर्मिस में डाल देते हैं। जी। इससे क्या होता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि किसी जो आदमी गंजा था अब वो गंजा नहीं रह गया और उसके घने बाल हैं। इस प्रोसीजर को करने में 2 से 3 घंटा भी नहीं लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसका रिजल्ट तुरंत आता है। तो जैसे कि कोई भी गंजा आदमी मेरे पास, मेरे क्लिनिक में आया और वो ट्रांसप्लांट कराने के लिए अभी उसके पास टाइम नहीं है या उसके पास बजट नहीं है, तो उसको हमने SMP किया, तो उसके हेयर जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं उनके बीच में हम लोग स्पेशल नीडल्स द्वारा अंडर मैग्निफिकेशन हेयर्स बना देते हैं, तो जितनी दूर आप बैठे हैं इतनी दूर बैठे व्यक्ति के सिर पे लगेगा कि बाल हैं, तो उससे तुरंत उसको बाल भी मिल जाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो जाता है और उसको सर्जरी से भी बच जाता है। तो ये टेक्निक लेटेस्ट टेक्निक अभी आई है, 2020 से हम लोग इसको लखनऊ में कर रहे हैं, और इसी टेक्निक द्वारा हम लोग स्किन पे भी कलर डाल सकते हैं। जैसे कि किसी को अगर सफ़ेद दाग है और उसके सफ़ेद दाग बढ़ नहीं रहे हैं, स्टेबल, जिसको बोलते हैं स्टेबल विटिलिगो, या जन्म से कोई दाग है जैसे चेहरे पे है जो कि जा नहीं रहा है और देखने में भद्दा लग रहा है, कॉस्मेटिक रीजन की वजह से वो परेशान है लड़का या लड़की, तो उसमें हम लोग मनचाहा कलर डाल के तुरंत उसको छुपा सकते हैं। जी, इसका ड्यूरेशन कितना होता है कि मतलब ये SMP टेक्निक कितनी दिन, कितने दिन या कितने महीने या कहा जाए कितने साल तक चलती है? जी मैम, देखिए जो हम लोगों ने इसको 2020 में करना स्टार्ट किया है और अभी जो हम लोगों के पास रिपोर्ट्स है कि 1.5-2 साल तक तो इसका लाइफ है ही, आगे भी हो सकता है क्योंकि ये टेक्निक बहुत पुरानी नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं बता पाऊँगा। 2020 में मैंने इसकी ट्रेनिंग मुंबई में जाके ली और तब से मैं लखनऊ में कर रहा हूँ, तो अभी तक तो हम देख रहे हैं कि 2 ईयर्स तक तो इसका कलर मेंटेन रहता है, हो सकता है आगे भी रहे। यानी ये टोटल बालों के केयर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से इंसान इसकी केयर कर रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई इंसान केयर कर रहा है तो उसकी ड्यूरेशन लगभग कितनी लंबी हो सकती है? मैम मोर देन 2 ईयर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ड्यूरेशन जा सकती है, और टेक्निक इतनी सिंपल है कि मैम अगर थोड़ा सा कलर उसका फेड भी हो गया है तो उसको पेशेंट दोबारा से कलर डलवा सकता है, क्योंकि उसमें कोई हार्म नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है किसी भी तरीके का, उसको पेशेंट को हमें उसके सिर को सुन नहीं करना है, वो आराम से TV देखता रहता है और हम उसके बालों में कलर इंजेक्ट कर देते हैं। हार्डली 2 to 3 आवर्स का काम होता है पूरे सिर में लगाने के लिए। जैसा कि अभी आपने हमको SMP टेक्निक के बारे में बताया कि किस तरह से ये किया जा सकता है या इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, तो क्या ये हरी जो ये जो टेक्निक है ये हर तरह के बालों पर इफेक्टिव है? जी मैम, बिल्कुल हर, क्योंकि ये स्कैल्प में हम लोग कलर इंजेक्ट करते हैं, आयरन ऑक्साइड कलर होता है और ये स्पेशल नीडल्स द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, और ये यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि जस्ट अपर पार्ट ऑफ डर्मिस में इसको लाके छोड़ दें, तो किसी भी पेशेंट में कर सकते हैं, इसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है और किसी भी इसमें टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है,
और किसी भी परिस्थिति में भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास गाइडलाइंस नहीं है कि जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट में होता है कि फिटनेस चाहिए होती है और हम लोग पेशेंट का बीपी वगैरह मॉनिटर करते हैं तब करते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल, इसको ऑफिस प्रोसीजर की तरह मानिए। इसके लिए हमें एक सामान्य ऑपरेशन थिएटर की भी ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल, तो अभी आपने देखा कि किस तरह से जो भी हमारे हेयर फॉल रिलेटेड इश्यूज थे, फिर चाहे वो बालों का झड़ना हो, टूटना हो, या बालों का सफ़ेद होना हो, फिर चाहे वो बच्चों में हो, चाहे वो महिलाओं में हो, या बुजुर्गों में हो, या एडल्ट्स में हो, इन सभी सवालों के जवाब हमारे साथ मौजूद डॉक्टर अंकित कपूर ने हमारे साथ शेयर किया। आई होप कि आप सभी को ये हमारा सेशन बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव लगा होगा। धन्यवाद डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम टीवी पर आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, इतनी जानकारी दर्शकों के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि किस तरह से जो भी हमारे बालों के संबंधित शिकायतें थी, फिर चाहे वो बालों का झड़ना हो, टूटना हो, या बालों का सफ़ेद होना हो, ये तमाम सभी ऐसी समस्याएं हैं जिससे आजकल का यूथ, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ही क्यों ना हो, इन सभी परेशानियों से जूझ रहे हैं। और अभी आपने हमारा एक सेशन हमारे हेयर एक्सपर्ट के साथ सुना कि किस तरह से हम इन सभी तमाम समस्याओं से निजात पा सकते हैं और उभर सकते हैं। उन्होंने तमाम तरीके के ऐसे प्रोसीजर्स भी बताए जिससे जो बाल हमारे टूट रहे हैं उन सभी समस्याओं पर रोक लगाई जा सके। तो धन्यवाद डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ प्राइम टीवी के हमारे स्पेशल सेगमेंट हेल्थ मंत्रा में डॉक्टर अंकित कपूर हमारे साथ मौजूद थे। धन्यवाद।